बोल बोल पेनड्राइव कहाँ है बोल। मुझे नहीं पता। अगर नहीं बताएंगी तो जान से जाएगी तू बता। मुझे नहीं पता कहाँ है पेनड्राइव। अरे उसको जाओ जाके मारो, वो मेरे पति को छीनना चाहती है। तू बोल। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता पेनड्राइव कहाँ पे। मेरे पास कोई पेनड्राइव नहीं है। बता तुझे पता है सब। मुझे नहीं पता। मुझे मारो और मारो उसको। मेरे पति को जीने की शुभ को मुझसे छीनना चाहती है ना, और मारो इसे और मारो। क्या टाइम पास कर रहे हो? क्या तब से पेनड्राइव लगा रखा है? जाओ जाके उसको खत्म करो। शुभ आने ही वाला है, उसने उसको कॉल कर दिया। है ना, तुम ये सब झटका लगा। I know, लगनी थी शगुन। इनफैक्ट जिस दिन से मैं एक्सीडेंट के बाद होश में आई थी ना, मैं उसी दिन से नॉर्मल हूं। ये जो मेरा बेबी है ना, वो मेरा और अजय का है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन पापा की वजह से मुझे जबरदस्ती शुभ के साथ शादी करनी पड़ी। यू नो व्हाट, फॉर योर इंफॉर्मेशन, मुझे शुभ ना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे लगा था कि एक्सीडेंट के बाद सारी परेशानी ही खत्म हो जाएगी, शुभ मर जाएगा, फिर उसके बाद मैं और अजय खुश रहेंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ, मेरे पापा ने शुभ के साथ जबरदस्ती शादी करवा दी। मुझे पागलपन का नाटक करना पड़ा। पता है कितनी एनर्जी लगती है, पर मैंने किया ताकि शुभ के साथ ये शादीशुदा वाली जो जिंदगी ना है ना, कि मुझे ना निभाना पड़े। यू नो, शुभ के साथ ये हस्बैंड वाइफ वाली थिंग, आई कैन डू इट। लोग मुझे पागल कहते हैं, पर तुम लोग तो सबसे बड़े पागल हो। तुम्हारा वो पति मेरी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है, पर तुम तो मुझे सौतन बना के रखना चाहती हो। लेकिन अब बस बहुत हुआ। अब तुम्हारी कहानी का दी एंड आ गया है।
जाओ जाके पेन ड्राइव लेके आओ। पेन ड्राइव जाओ जाके चेक करो। पेन ड्राइव तो कभी रिकवर हुआ ही नहीं था नैना, वो तो बस एक प्लान था अजय को फंसाने के। अजय ने यहां गुंडे भेजे, वो फंस तो गया ही, लेकिन बोनस में तुम्हारा सच मेरे सामने आ गया। शगुन, दरवाजा खोलो। शगुन, नैना। अब तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। शर्म नहीं आती नैना, किस तरह की औरत हो तुम? शुभ सर ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुमने उन सब के बदले में ये किया? जिंदगी भर तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार थे वो, और तुम? अब सोचो, सोचो जब उनको सच का पता लगेगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा। तुम्हारी ये घिनौनी सच्चाई मैं सबके सामने ला कर रहूंगी। नैना! क्या हुआ? अंदर गुंडे हैं। शगुन! ताई! नैना! शगुन! ये पर्दा फाश करके रहूंगी मैं। क्या हुआ लल्ला? अंदर गुंडे हैं दादी। दरवाजा! शगुन! गुंडे? अरे बहुलिया! शगुन! बहुलिया! दरवाजा खोलो। ताई, दरवाजा खोलो। शगुन! क्या चाहते हो तुम लोग? छोड़ो से, छोड़ो। अगर कोई चालाकी थी तो इसकी गर्दन उड़ा देंगे। पीछे, पीछे। किसने भेजा तुम लोगों को? आगे नहीं बढ़ेगा। छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, छोड़ूंगा नहीं। बहुरिया! नहीं, छोड़ो से, नैना छोड़ो मुझे। नहीं, नैना, नैना छोड़ो मुझे। नहीं, 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 शुभ, नहीं। नैना छोड़ो शगुन को। क्या शगुन को छोड़ो? चल, आग देंगे सब। लल्ला संभाल। शगुन, नैना, छोड़ो मुझे। नैना, क्या छोड़ो से। खाना
शगुन, तुमको छुआ तो नहीं ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। अजय, शिव सर, मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है। इस समय अजय को पकड़ने से जरूरी कुछ नहीं है शगुन, मुझे जाना होगा। नहीं सर, उससे भी ज्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी है। सर, वो मैं बोल रही थी कि वो नैना ये समझती नहीं है। हाय हाय, इसको क्या हो गया? नैना, नैना, शिव से सुनिए। शकुन, उसे दर्द हो रही है, छोड़ो मुझे। जो मैं बात बताने वाला हूँ वो जानना बहुत जरूरी है। शकुन, क्या बात कर रही हो? उसके पेट में बच्चा है, उसे कुछ हो जाएगा। नहीं सर, कुछ हो जाएगा, छोड़ो मुझे। नहीं सर, तो कुछ नहीं हुआ है। सर, सर आप मेरी बात सुनिए। छोड़ो मुझे। बुआ, बुआ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। शु बेटा, इसे हॉस्पिटल ले जाओ। शकुन, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। बुआ, बोलो उसे। ताई, ये सब क्या हो रहा है? ये गुंडे घर के अंदर कैसे आए? अरे, उस डॉक्टर अजय ने भेजे होंगे। किसी शरीफ इंसान पर रेप का इल्जाम लगाएगी, फिर जबरदस्ती उसका डीएनए टेस्ट कराएगी तो क्या होगा? ताई, ये क्या कह रही हैं? ये सच है क्या? बोलो बहुरिया। युग में तो चाहिए, सब कुछ बाद में बताऊंगी। ये सब क्या हो रहा है हमारे घर में? ये गुंडे ऐसे घुसाते हैं, हमारा घर सुरक्षित नहीं है। अम्मा जी, हाँ, हमारे घर में ऐसा सब। बुआ, वो लोग अब दोबारा नहीं आएंगे। और तुझे कैसे पता? बोल। बस पता है। मगर ताई, युग अभी नहीं। एक काम ढंग से नहीं करते तुम लोग, ना पेन ड्राइव लाए, ना शगुन मरीज, और नैना ने हेल्प क्यों नहीं की? सर, हम प्लान के हिसाब से सब कुछ कर रहे थे सर। शगुन से पेन ड्राइव मांगते उससे पहले ही नैना ने अपना सारा सच उसे बता दिया, वहीं से बात हाथ से निकल गई सर। क्या? वापस बोल ना, बोल वापस। क्या बोला? कुछ नहीं सर, बहुत बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। बात क्या है डॉक्टर? थरो चेकअप की जरूरत है। क्या आप थोड़ा देर बाहर जाएंगे? शुभ 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 नहीं, मुझे 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 छोड़ के कहीं मत जाओ, छोड़ के मत जाओ। नैना, तुम्हारे पास डॉक्टर हैं, बुआ है, ये संभाल लेंगे। नहीं नहीं, आप मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे आप चाहिए, सिर्फ आप चाहिए। मुझे 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 शुभ चाहिए। मिस्टर शुभ जी, नैना बिल्कुल आ, 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 बहुत दुख रहा है शुभ। दर्द क्यों हो रहा है? अभी शायद दर्द है, मुझे कुछ टेस्ट करने होंगे। क्या आप इन्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे? हाँ चलो नैना, हॉस्पिटल चलेंगे। नहीं नहीं शुभ, नहीं नहीं शुभ, मुझे कहीं नहीं जाना। नैना, तुम्हें पेन है, तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मुझे कहीं नहीं जाना शुभ, मुझे अब पेन ठीक कैसे होगा? नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कहीं नहीं जाना। हम तुम्हें कहीं नहीं लेकर जाएंगे, पानी तो पियोगी ना शुभ? प्लीज जितना नाटक करना है कर लो नैना,
क्योंकि तुम बच नहीं पाओगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर, नैना को दवाई देने के लिए। दवाई? मैंने कौन सी दवाई खाई? लेकिन इस दवाई में था क्या? नींद की दवाई थी। वो एक्चुअली नैना को नींद की काफी जरूरत है और मुझे पता था कि वो हॉस्पिटल नहीं जाएगी ना ही इंजेक्शन लेके, इसलिए वो दवाई देनी पड़ी। आप जाइए, मैं हूं नैना के साथ। तू अब सो जा। शगुन, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बुला लेना। जी। तुमने मुझे सो जा, तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। पता है, अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती ना तो अभी इसी वक्त धक्के मार के उसको घर से बाहर निकाल देती। पर मैं भी औरत हूँ, भूल नहीं सकती कि तुम प्रेग्नेंट हो। तो कोई बात नहीं, कल सुबह तुम्हारी आंख खुलते ही तुम्हारी लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी, ये मेरा वादा है तुमसे। नैना फोन क्यों नहीं उठा रही है? वाह, नैना कैसी है? तू यहां क्या कर रहा है? तो बहुत परेशान है ना बेटा? कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? एक तरफ नैना है तो दूसरी तरफ शगुन। मैं दोनों के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहा हूं। नैना मेरी जिम्मेदारी है और शगुन मेरा खुद नहीं। जिंदगी मैं नैना को दुखी नहीं देख सकता और मैं शगुन को कभी खुद से दूर नहीं कर सकता। याद है शुभ, बचपन में जब मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करवाता था तो कितना परेशान हो जाया करता था, लेकिन फिर जब ध्यान लगाकर मन लगाकर उसे सॉल्व करने की कोशिश करता तो कैसे चुटकियों में सॉल्व हो जाता था। बुआ, वो बचपन था और तब की प्रॉब्लम्स भी अलग थी। मैं मानती हूँ कि बचपन की प्रॉब्लम्स अलग थी, लेकिन हल करने वाला तो तू ही था। बस अब मैथ्स की प्रॉब्लम्स नहीं है, जिंदगी की प्रॉब्लम है। मुझे पूरा यकीन है शुभ, अगर तू थोड़ा सा ध्यान देगा, थोड़ा दिमाग लगाएगा तो इसका भी हल निकाल लेगा।
मेरा बच्चा। सॉरी, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था। सॉरी, तो मुझे तुमसे कहना चाहिए, मेरी वजह से तुम्हें कितना कुछ सहन करना पड़ रहा है। अजय, नैना और अब ये कंडे। नहीं सर, ये वक्त मेरी चिंता करने का नहीं है। हमें जल्द से जल्द इस सब का सोल्यूशन ढूंढना होगा। सोल्यूशन तो हमारे सामने ही है सर, बस हम ही उसे देख नहीं पाए। मतलब मैं जो बताने वाली हूँ, मैं जानती हूँ उसे सुनकर आपको धक्का लगेगा, पर प्लीज मेरी बात को ठंडे दिमाग से सुनिएगा।